ओके okay. मैं एक बार फिर से ना रूल बता दूं, ठीक है? रूल ये है कि हर एक स्पीकर को 15 मिनट मिलेंगे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि टॉपिक आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है? जब तक एक स्पीकर बोलेगा तो तब तक सभी लोग अपना म्यूट रखेंगे और वीडियो भी ऑफ रखेंगे। जय हिंद, जय हिंद बच्चे, ठीक है? तो म्यूट रखेंगे और ऑफ रखेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि एक बार जब स्पीकर कंप्लीट कर लेगा, इस बीच में आप लोग अपने डाउट्स लिखते जाएंगे और फिर 5 मिनट के बाद जब वो बोलेगा फिनिश, तो फिर आपके जो भी डाउट हैं आप वो डाउट अपने स्पीकर ऑन कर पूछेंगे। अभी बज रहा है दोपहर के 12:05, 28 मार्च 2022, और हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी स्पीकर जो ज्वाइन करेगा वो पहले अपना टॉपिक बताएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट करेगा। हम स्टार्ट करेंगे अमृतेन से। अमृतेन सर, आप पूछ लीजिए किसी से और, तो पहले किसी को नहीं बोलना। नहीं क्यों, तैयार है तेरा? हाँ मेरा तो तैयार है सर। बस ठीक है ना, तो स्टार्ट करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैमरा और स्पीकर ऑफ कर रहा हूँ, अमृतेन को पिन कर रहा हूँ, अमृतेन कंटिन्यू करेगा। मैं सबको ऑडिबल हूँ ना? स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं सबको? यस। ओके, सबसे पहले प्लेटियो से स्टार्ट करते हैं। प्लेटियो होता क्या है? प्लेटियो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है, टॉप टेबल लैंड होती है, जो अपने सराउंडिंग एरिया के आसपास से स्टैंड अप होती है। जैसे कि हमारी स्टडीज टेबल होती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी टॉप टेबल की तरह लैंड होती है। प्लेटियोज अलग तरह के होते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हम पढ़ते हैं प्लेटियोज को 5 टाइप्स में। एक है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, नेक्स्ट है पीडमॉन्ट प्लेट्यू, थर्ड है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, फोर्थ है वॉल्केनिक प्लेट्यू, फिफ्थ है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। सबसे पहले इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज को देख लेते हैं। इंटरमॉन्टेन का मतलब होता है बिटवीन माउंटेन्स, यानी ऐसे प्लेट्यूज जो माउंटेन से घिरे हुए होंगे उन्हें बोलेंगे इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज। उसकी डेफिनेशन है प्लेट्यूज विच आर सराउंडेड बाई माउंटेन रेंजेस आर नोन एज इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज। और जनरली जिन माउंटेन्स से सराउंडेड होते हैं ना, वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, और इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेट्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक तिब्बत प्लेट्यू जो फोल्ड माउंटेन से सराउंडेड है नॉर्थ में, लाइक हिमालयास, काराकोरम, और प्लेट्यूज ऑफ बोलीविया और पेरू, ये भी एग्जाम्पल जैसे कि ये है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। यहाँ पे इसके माउंटेन रेंजेस होगी। और अमृतेन एक बार बेटा शुरू से शुरू कर देना, मैं नोट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं स्क्रीन की सेटिंग कर रहा था। चलो अमृतेन प्रेजेंटेशन देख नहीं रहा है। प्रेजेंटेशन क्या किसी को नहीं दिख रहा है? स्लाइड दोबारा बंद कर दे। हाँ एक बार शेयर कर दो फिर से। एक सेकंड, अभी दिख रही है? हाँ अभी ऑडिबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेट्यूज को देखेंगे। प्लेट्यूज होते क्या है? प्लेट्यूज एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप टेबल लैंड होते हैं, जो अपने सराउंडिंग एरिया के ऊपर स्टैंड होती है, मतलब आसपास इसकी जो सराउंडिंग एरिया है ऊपर इसकी उससे हाइट अबव होती है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे स्टडीज टेबल होते हैं बिल्कुल वैसे ही टेबल की तरह लैंड होती है। प्लेट्यूज ज्योग्राफिकल लोकेशन पे 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, सेकंड आता है पीडमॉन्ट प्लेट्यू, थर्ड आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, फोर्थ है वॉल्केनिक प्लेट्यू, फिफ्थ है डिसेक्टेड प्लेट्यू। सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू क्या होता है। इंटरमॉन्टेन का मतलब है बिटवीन द माउंटेन्स, मतलब ऐसे प्लेट्यूज जो माउंटेन से सराउंडेड होंगे, लाइक ये फिगर बना हुआ है, तो इसके साइड्स में माउंटेन्स होंगे, बीच में ये प्लेट्यू होगा।
तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, प्लेट्यूज विच आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस आर नोन एज इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। और जो माउंटेन्स जो उसको सराउंड करते हैं वो बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और जो प्लेट्यूज है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू वर्ल्ड के हाइएस्ट प्लेट्यूज हैं। एग्जाम्पल है तिब्बत प्लेट्यू जो इंडिया के नॉर्थ में है, वो फोल्ड माउंटेन्स से सराउंडेड है, लाइक हिमालयाज है, काराकोरम रेंज है। और प्लेट्यूज ऑफ बोलीविया और पेरू ये साउथ अमेरिका में है। आई थिंक इसका मैप मैं देखता हूँ, अगर बोलीविया पेरू का है तो ये तिब्बतन प्लेट्यू का मैप ये है जिसे ये सराउंडेड है। एंड बोलीविया पेरू का सॉरी नहीं है, मैं उसको बाद देख के दिखा दूंगा। नेक्स्ट आता है पीडमोंट प्लेट्यूज। पीडमोंट वर्ड का मतलब होता है फुट ऑफ माउंटेन्स, मतलब ऐसे प्लेट्यूज जो माउंटेन्स के फुट पे होते हैं, वो एक साइड से किसी प्लेन या फिर सी या ओशन से लॉक्ड होंगे और उसके दूसरी साइड पे माउंटेन होगा। बेसिकली प्लेट्यूज बनते हैं ऐसे कि इनकी हाइट तो पहले माउंटेन जितनी थी, बट इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से माउंटेन्स के फुट तक आ गए, इसलिए इनका नाम पीडमोंट प्लेट्यू पड़ा। और इन्हें प्लेट्यू ऑफ डेन्यूडेशन भी कहते हैं। डेन्यूडेशन वर्ड का मतलब है इरोजनल एक्टिविटीज, तो इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से ये नीचे आ गए, इसलिए इनको प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल है मालवा प्लेट्यू इंडिया में जो है। और थर्ड आते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू पर। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू फॉर्म होते हैं एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट की वजह से, मतलब जो सराउंडिंग एयरलैंड होती है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर उठाती है। जो वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं ना बेसिकली, उनकी वजह से भी बन जाते हैं। लाइक वॉल्केनिक इरप्ट हुआ, उसका जो भी मटेरियल था, फेजर था, वो एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो गया, उससे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू से भी बन जाते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होते हैं, इसके फीचर ये भी है कि इसके साइड में स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस मतलब होती है जैसे हमारे घर में स्टेयर्स होते हैं ना, तो अगर वो स्टेयर्स और ज्यादा उनकी चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी हो जाए, चढ़ना उसमें मुश्किल हो जाए, उसे कहेंगे स्टिफनेस। इनमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि ये एक्यूमुलेशन से बने होते हैं लावा शीट्स वगैरह के, इसलिए प्लेट्यूज ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। फोर्थ आते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यूज पे। वॉल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म होते हैं अलग अलग वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से। कॉन्टिनेंटल और वॉल्केनिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट वॉल्केनिक प्लेट्यूज बनते हैं जब जैसे कि किसी सराउंडिंग एरिया में थोड़ा सा क्रैक हो गया, वहां से जो मैग्मा है वो इरप्ट हुआ। ये मैग्मा वॉयलेंट इरप्शन नहीं होता है, वॉयलेंट इरप्शन से नहीं बनता है, जो प्रेशर होता है बहुत स्लोली स्लो निकलता है, और वो धीरे एक जगह पे कुछ टाइम बाद वो जब ठंडा हो जाता है एक्यूमुलेट होके एक वॉल्केनिक प्लेट्यू बना लेता है। वैसे वॉल्केनिक प्लेट्यू दो टाइप्स के हैं, एक है लावा प्लेट्यूज और एक है पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू जो होता है वो हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक लावा से बनता है, और जो पायरोक्लास्टिक वॉल्केनिक प्लेट्यू होता है वो बहुत स्लो मूविंग उससे बनता है, मतलब लावा प्लेट्यू जो होता है ना उसका फ्लूइड थोड़ा सा फास्ट मूविंग होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लावा का प्लेट्यू जो होता है उसका स्लो मूविंग होता है, पायरोक्लास्टिक का फास्ट मूविंग जो मटेरियल होता है उससे बनता है। ये टाइप बता रहे हो आप? यस सर। ओके, इसका एग्जांपल है कोलंबिया प्लेट्यू जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में है, और जो इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स हैं, ये दोनों ही वोल्केनिक प्लेट्यू के एग्जांपल। इसका मैप नहीं है सॉरी। नेक्स्ट है डिसेक्टेड प्लेट्यू। डिसेक्टेड प्लेट्यू प्लेट्यू वो होता है दैट हैज बीन सेवरली इरोडेड, जो बहुत ज्यादा इरोडेड हो चुका होता है, और इसके रिलीफ फीचर्स बहुत शार्प होते हैं। जैसे कि माउंटेन्स होते हैं ना वो साइड में ट्रायंगल शेप के दिखते हैं, वैसे ही डिसेक्टेड प्लेट्यूज होते हैं। इरोजन की वजह से इनके रिलीफ फीचर्स काफी शार्प होते हैं और बिल्कुल माउंटेन की तरह अपीयर होते हैं। जैसे कि कैट स्किल माउंटेन है न्यूयॉर्क में, इसका एग्जाम्पल है। ये ऐसे कुछ होते हैं माउंटेन शेप के। अब हम प्लेट्यूज का कुछ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। प्लेट्यूज बेसिकली स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का। वर्ल्ड का जितना भी मिनरल्स है सबसे ज्यादा मतलब प्लेट्यूज में ही मिलता है। गोल्ड प्लेट्यू, जैसे कि गोल्ड मिलता है हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्यू से, कॉपर डायमंड प्लेट मिलता है अफ्रीका से, कोल आयरन मैग्नीस मिलता है इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू से। दूसरा इसका यूज है जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर,
यहाँ से जो रिवर्स होते हैं ना वो काफी ऊंची हाइट से गिरते हैं, तो उसको हम उस काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे डैम्स भी बने होते हैं तो उसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हाइट पे होते हैं तो उनका टेम्परेचर भी कूल रहता है, तो ये टूरिस्ट की डेस्टिनेशन भी के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे एनिमल रीडिंग और एग्रीकल्चर भी होता है, ग्रासलैंड्स एरिया होते हैं यहाँ पे तो एनिमल के लिए सुटेबल होते हैं, शीप गोट और कैटल की रेयरिंग भी होती है। इसलिए यहाँ पे लावा प्लेटूज होते हैं जो मिनरल्स मिर्च होते हैं, इसलिए यूज फॉर एग्रीकल्चर। लावा प्लेटूज मिनरल्स मिर्च होते हैं इसलिए वहाँ पे मिनरल फील्ड्स काफी होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है वो एरिया। कुछ और फैक्ट्स हैं जो प्लेटू से रिलेटेड है देख लेते हैं। जैसे माउंटेन्स यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं, उसी तरह प्लेटूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। इंडिया में डेक्कन प्लेटू है वो ओल्डेस्ट प्लेटू है, और ईस्ट अफ्रीकन प्लेटूज हैं केन्या टांजनिया और युगांडा कंट्रीज में, ये भी ओल्ड प्लेटूज हैं। वेस्टर्न प्लेटू है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी ओल्ड प्लेटू की कैटेगरी में आता है। फिर सेकंड फैक्ट है, जो तिब्बत प्लेटू है इंडिया के नॉर्थ में वो वर्ल्ड का हाइएस्ट प्लेटू है, इसकी हाइट अराउंड 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक लाई करती है। और थर्ड फैक्ट है, प्लेट्यूज में बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं क्योंकि रिवर्स जो होती हैं बहुत ग्रेट हाइट से गिरती हैं, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल्स बन जाते हैं। कुछ वाटरफॉल्स देख लेते हैं, जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का एंजल फॉल्स जो कि वेनेजुएला नाम की कंट्री में है साउथ अमेरिका में। नाइग्रा फॉल्स है जो कैनेडा और यूएसए नॉर्थ अमेरिका नाम की कॉन्टिनेंट में है, दोनों कंट्रीज उनके बॉर्डर पे है नाइग्रा फॉल्स। थर्ड है विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्रीज में है अफ्रीका में। इंडिया में से एग्जाम्पल है हुंद्रू फॉल्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ऑन द रिवर ऑफ सुवर्णिका, जोग फॉल्स है कर्नाटका में ऑन द रिवर ऑफ शावती। जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो उनमें ब्लैक सॉइल मिर्च होते हैं, तो वो ब्लैक सॉइल काफी फर्टाइल होती है और कल्टिवेशन के लिए अच्छी होती है। एक और फैक्ट है, बहुत सारे प्लेट्यूज में क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं तो सीनिक स्पॉट अच्छा होता है यहाँ का, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का एक अच्छा प्लेस है ये। सब प्लेट्यूज डन हो गए हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया बचा है बस। पेनिनसुलर को ना हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, हालांकि नोट्स यही अपन शेयर कर देंगे, है ना? ओके सर। और ये बताओ हमें कि आपने हमें प्लेन्स भी भेजे हैं, तो प्लेन्स भी आप ही का है? यस सर, प्लेन्स मेरे ही है। ठीक है, तो प्लेन्स को भी कवर करो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अगर किसी को डाउट हो भाई तो 2-3 मिनट है अपने पास। सुनो नोट्स ना, एक मिनट, मैंने ना टेलीग्राम पर नोट साथ ही साथ में शेयर करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी पूछिए मैम। सर वोल्केनिक प्लेटू को डैम प्लेटू भी बोल देंगे? सॉरी, वोल्केनिक प्लेटू को डैम प्लेटू भी बोल देंगे? इसका आइडिया नहीं है मुझे सर, आप प्लीज बता सकते हैं? एक बार फिर से पूछिए मैम। सर वोल्केनिक प्लेटू को डैम प्लेटू बोलते हैं? वोल्केनिक, एक मिनट ना, मैम इसका आइडिया हमें भी नहीं है, हालांकि मैं गूगल कर रहा था। डैम प्लेटू आपने बोला है कि डोंट प्लेटू? नहीं, बैंक प्लेटू। नहीं मैम, नहीं आइडिया, सॉरी, हम देखकर क्रॉस चेक कर ही बता पाएंगे। ओके सर। ओके, आप हमें ना टेलीग्राम पर एक मैसेज कर देना कि सर ये डाउट था इसका। ओके सर। ओके, हाँ कंटिन्यू करिए। सर मैं ये कह रही थी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेटू बनते हैं ये कैसे बनते हैं, मतलब समझ नहीं आया। कॉन्टिनेंटल प्लेटू जो लावा का फेजर होता है ना उससे भी बनते हैं, लावा की जो फेजर होता है वो स्लोली एक जगह तो होकर एक्यूमुलेट हो जाता है उससे भी बनते हैं, और कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट हो जाता है, जैसे कि जो प्लेन्स होते हैं ना वो जो अपलिफ्ट हो जाते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, उससे भी कॉन्टिनेंटल प्लेटू बनता है। ओके, और जो लावा दो तरीके का होता है, एक एसिडिक लावा और एक बेसिक लावा। सॉरी, लावा दो तरीके का होता है, एक एसिडिक लावा और एक बेसिक लावा।
मैम इससे रिलेटेड आइडिया नहीं है सर, आप प्लीज इसे भी क्लियर कर देंगे? एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन दिस इफ माधुरी मैम वाज वांट टू आस्क दिस. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लावा, वन इज एसिडिक वन एंड द अनदर इज ऑफ कोर्स दैट यू आर सेइंग द बेसिक वन. इसमें डिफरेंस ये होता है कि एसिडिक में 70% सिलिकॉन का होता है और ये विस्कस ज्यादा होता है. विस्कस इन द सेंस कि ये ज्यादा फैले का नहीं. यस बट जो ये अमित सर बता रहे थे, ये जो बता रहे थे कि मतलब जो एक कौन सी ओके ओके मुझे यही है क्योंकि जो बेसिक लावा होता है वो मूव कम करता है. ओके ओके थैंक यू थैंक यू. ये विस्कस वाला पायरोक्लास्टिक वॉल्केनिक प्लेट होता है. ओके सर ओके थैंक यू. ठीक है सर मैं नेक्स्ट प्लेन स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके कंटिन्यू करिए. व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के. ये मेन सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो फॉर्म होते हैं वो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी से बनते हैं. जब रिवर फ्लो डाउन होती है ना माउंटेन की स्लोप से, तो माउंटेन्स को इरोड करके लाती है. वो जो इरोडेड मटेरियल होता है वो अपने कोर्सेस के थ्रू वो डिपॉजिट करती जाती है, जिससे प्लेन्स बनते हैं. और जो इरोडेड मटेरियल होता है वो स्टोन, सैंड और सिल्ट होता है. फ्रॉम दिस डिपॉजिट प्लेन्स फॉर्म होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन इंडिया में, और यांगजे रिवर्स बनता है जैसे कि चाइना. प्लेन्स के टाइप्स देख लेते हैं. सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल प्लेन. जो स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं वो कोस्ट के पास होते हैं, मतलब कोस्ट के पास जितने प्लेन्स बनते हैं ना उन्हें स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहते हैं. अगर कोस्टल एरिया थोड़ा सा फ्लैट है और अगर वहाँ पे प्लेन्स न्यूली इमर्ज प्लेन बना हुआ है तो वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा और वाइड भी होगा. ऐसे प्लेन्स की विथ थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि जो सी होता है वो वाटर, सी वाटर वो अपने साथ कुछ मटेरियल लेकर आता है और वो डिपॉजिट करता जाता है कोस्टल एरियाज के पास. इस वजह से ये वाइड होते हैं थोड़े से. इसका एग्जाम्पल है रशियन प्लेटफॉर्म, सेकेंड है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, थर्ड है सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड आता है डिपोजिशनल प्लेन. ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से, और अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो इरोड करके लाते हैं मटेरियल्स माउंटेन से और इसको डिपॉजिट करते हैं, लाइक विंड, रिवर्स. एंड जो इरोडेड मटेरियल होता है वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होता है. सबसे पहले एग्जाम्पल टाइप्स देख लेते हैं डिपॉजिशनल प्लेन्स में. सबसे पहला आता है एल्यूवियल प्लेन्स. ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट से. जो सिल्ट रिवर्स लेकर आती है ना वो एक जगह एक्यूमुलेट करती जाती है अपने कोर्सेज के थ्रू, उससे बनते हैं एल्यूवियल प्लेन्स. रिवर लीव, जब रिवर माउंटेन को लीव करती है वाटर स्प्रेड होता है. क्या होता है माउंटेन जब रिवर आ रही होती है तो, और जब अपने माउथ की तरफ जा रही होती है तो उसकी स्पीड स्लो होती जाती है. जैसे जैसे वो अपने माउथ की तरफ जाएगी उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी. तो जितना भी मटेरियल वो इरोड करके ला रही है इसलिए वो डिपॉजिट करती जाती है. और जैसे रिवर माउंटेन्स को लीव कर देती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो स्लगिश वाटर होता है यानी स्लो मूविंग जो वाटर होता है वो मटेरियल डिपॉजिट करता है. एल्यूवियल प्लेन्स टू से थ्री टाइप्स के डिपॉजिट्स करते हैं. सबसे पहला है फैन शेप डिपॉजिट, जो हिल्स के फुट पे डिपॉजिट होता है फैन के शेप में. उसे कहते हैं पीडमॉन्ट एल्यूवियल फैन. पीडमॉन्ट का मतलब मैंने पहले बताया था, जो हिल्स के फुट में डिपॉजिट होता है उसे कहते हैं. और अगर ये फैन शेप का है तो उसे पीडमॉन्ट एल्यूवियल फैन कहेंगे. अगर इरोडेड मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता है बेल्ट फॉर्म में, उसे हम कहते हैं पीडमॉन्ट एल्यूवियल प्लेन. जैसे इसका एग्जाम्पल है इंडिया में जो भाबर प्लेन्स हैं वो पीडमॉन्ट एल्यूवियल प्लेन्स है. एक और डिपोजिशन है इसका एल्यूवियल प्लेन का, जब रिवर क्या होता है ओवरफ्लो हो जाती है उसके बैंक से पानी ऊपर आ जाता है जब फ्लड हो जाता है, तो जो फ्लडिंग वाटर होता है अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके जाता है और वो डिपॉजिट कर देता है नॉर्मल प्लेन एरियाज में. वाटर तो फ्लड के बाद वापस आ जाता है बट वो इरोडेड मटेरियल वहीं पे छोड़ देता है, जिससे वो एरिया में मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, वो प्लेन्स जो होते हैं फर्टाइल रहते हैं. इसलिए और जो फ्लड की वजह से होता है इसलिए इसे फ्लड प्लेन्स कहते हैं. और ये प्लेन्स एल्यूवियल प्लेन्स हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं. वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल प्लेन्स हैं एल्यूवियल प्लेन्स हैं, और ये फ्लैट और लेवल भी हैं सबसे ज़्यादा. इसका एग्जाम्पल है प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न चाइना, जो नॉर्दर्न चाइना में प्लेन्स हैं. इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं इंडिया में. मिसिसिपी प्लेन है जो मिसिसिपी रिवर से बनते हैं.
ये तीन एग्जाम्पल्स इसके। अब रिवर के माउथ पे क्या होता है, जैसे रिवर फ्लो होती है माउंटेन से और माउथ की तरफ जा रही होती है अपने, तो माउथ से जस्ट पहले एक ट्रायंगुलर शेप का वो प्लेन बनाती है, मटेरियल्स को डिपॉजिट करके उसे बोलते हैं डेल्टा प्लेन। एक इंडिया में से एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, और इजिप्ट में नाइल रिवर बनाती है। डिपॉजिटल प्लेन का सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लेशियल डिपॉजिट। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये प्लेन्स बहुत फर्टाइल होती हैं ओइंग टू डिपॉजिट्स लेफ्ट बाई कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है, वो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो जाते हैं, तो उनका पानी तो मेल्ट हो जाता है बट जो मटेरियल रहता है वहीं पे रह जाता है। वो मटेरियल मिनरल्स होते हैं तो फर्टाइल होते हैं, तो जो डेब्रिस होती है उससे बनते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ये काफ़ी इरेगुलर होते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लेन्स ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप प्लेन। थर्ड आते हैं लुइस प्लेन्स। लुइस प्लेन्स डिपोजिशन विंड से बनता है, जैसे मैंने पहला कहा था कि डिपोजिशन जो बनता है वो रिवर्स के थ्रू और विंड्स के थ्रू बनता है, तो ये थर्ड एग्जांपल है डिपोजिशन प्लेन्स का लुइस प्लेन्स। लुइस प्लेन्स जो विंड्स के डिपोजिशन से बनेंगे। दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द मटेरियल विच हैज बीन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड्स। इसका एग्जाम्पल है लुइस डिपोजिट जो चाइना के नदर्न पार्ट में है। फोर्थ है हमारे डिपोजिशन प्लेन्स का लैक्यूस्ट्रीन प्लेन्स, मतलब वो प्लेन्स जो रिवर के डिपॉजिट से बनती हैं। दीज फॉर्म बाय द फिलिंग ऑफ लेक। जब माउंटेन्स से रिवर फ्लो होकर आ रही होती हैं तो उनका मैंने बताया था कि उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, तो बीच में मेंडर्स भी बनाती हैं। वैसे मेंडर्स रिवर्स का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मेंडर्स बड़े बड़े टर्न होते हैं जो रिवर्स बनाती है प्लेन एरिया में जब माउंटेन को लीव कर देती है, तो मेंडर्स बनाती है। तो मेंडर्स बनाने के बाद रिवर का फ्लो तो थोड़ा फास्ट होता है, तो वो मेंडर्स होते हैं वो भी कुछ टाइम बाद ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, वो रिवर से कट हो जाते हैं ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। और फिर समर्स वगैरह में टाइम साथ वो लेक सूख जाती हैं, लेकिन उस लेक में मिनरल्स तो होते हैं, तो जो एरिया होता है वो जब पानी चला गया तो मिनरल्स जो बचे वो एरिया मडी हो जाता है, वो होता है लैक्यूस्ट्रीन प्लेन्स। इसका एग्जाम्पल है हंगेरी जो कि यूरोप में है और ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। जो प्लेन्स का भी कुछ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। दे आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सबसे ज्यादा यूजफुल एरिया वर्ल्ड में ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्लेन्स हैं, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होते हैं, लैंड काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टिवेशन के लिए, और फ्लैट लैंड की वजह से मूवमेंट काफ़ी ईजी होता है जो इंकरेज करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट को। सिर्फ फ्लैट लैंड की वजह से नहीं, और भी प्लेन्स में रहने के लिए और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल रहता है, जैसे माउंटेन्स में काफ़ी ठंडी होती है, डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, तो और भी फैक्टर्स हैं। और फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स। क्योंकि लैंड फ्लैट है तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है हाउसेस का, रेल्स का, रोड्स का। और प्लेन्स को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि फर्टाइल होती है, यहाँ पे अच्छे से कल्टिवेशन हो जाता है, इसलिए से फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और प्लेन्स बहुत सारे सिविलाइजेशन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई उनका भी सेंटर रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से। और क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं इसलिए ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ द सबसे ज्यादा लोग प्लेन्स में ही रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडो गैंगटिक प्लेन्स जो कि इंडिया का है सबसे ज्यादा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंसर नेक्स्ट। अच्छा हाँ, पहले आप लोग अपने डाउट क्लियर कर लें। कोई डाउट नहीं है किसी का, तो फिर हम आगे चलें। ओके फाइन। तो अमृतेन ने प्लेट्यूज और प्लेन कवर किए हैं, बट मैं एक चीज सभी को बोलूंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ये पूरा जो डिस्कशन हो रहा है, आप लोग का काम क्या है, जो टेलीग्राम में मैं नोट शेयर कर रहा हूँ ना, तो उसे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ले लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप से लेने के बाद एक बार जरूर इसे ना इंटू टू की स्पीड में कर उन नोट्स को पढ़िए और इसे सुनिए। बस इतना ही करिए और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह वो हम देख लेंगे बाद में। अब रिवर्स पर आते हैं। रिवर्स किसका था, अनु का। अनु क्लास में है नहीं? ऋषि, ऋषिकेश, ओके। आशा मैम, ओके। तो आशा मैम का है क्लाइमेट एंड सीजन, ठीक है। तो आशा मैम कंटिन्यू करेंगी।
मैम आई नो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो बिल्कुल आप अपना टाइम ले सकते हैं। पारुलियो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चल रहा है। हाँ बताइए। मैंने अभी सिर्फ क्लाइमेट टाइप्स ही कवर किए हैं, तो बेसिक क्लाइमेट टाइप जो है और उनमें क्या क्या वेजिटेशन है, कौन सी इंडस्ट्रीज है वो, और कॉपिन क्लासिफिकेशन कवर किया है। ओके फाइन फाइन, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करिए, क्योंकि आज अंजलि का आज टेस्ट था तो वो आ नहीं पाई। अनु और ऋषि ये है नहीं है ना, सॉरी अनु ऋषिकेश और ऋषि और नीकू। सर हाँ हाँ बताइए। सर मैं या फिर ऋषिकेश जो दूसरा है। अच्छा, नहीं नहीं साइक्लोन्स था। आपका क्या था? साइक्लोन सर। हाँ आपका ऋषि, ठीक है, तो आपका साइक्लोन था, ऋषिकेश का अर्थक्वेक और सुनामी था। ठीक है, तो अभी हम ठीक है, अभी आशा मैम से शुरू करते हैं। आशा मैम आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप पहले टॉपिक बता दीजिएगा और अपना कंटिन्यू करिएगा नरेट करना, और लास्ट में फिर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर डाउट्स लेंगे हम। ठीक है, चलो। मेरा टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट, तो वर्ल्ड बेसिकली जो कवर करने वाली हूँ वो है कोपिन क्लासिफिकेशन वर्ल्ड क्लाइमेट का, एंड बेसिकली जो उसमें वेजिटेशन है और क्या क्या इंडस्ट्रीज है हम वो कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था तो इसमें काफ़ी को कंफ्यूजन होता है। तो वेदर होता है एक एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ सर्टन प्लेस एट अ सर्टन टाइम, मीन्स एक सर्टन टाइम पे जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है हम उसे वेदर कहते हैं, और क्लाइमेट कहते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एवरेज होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि आज का वेदर कैसा है, ये नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट कैसा है। तो बेसिक डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट में। और क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली तीन अप्रोचेस हैं, और उन तीन अप्रोचेस को हम देखते हैं। फर्स्ट इज एम्पेरिकल अप्रोच, सेकेंड इज जेनेटिक अप्रोच, एंड थर्ड इज अप्लाइड अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा, मीन्स हम किसी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी डाटा के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमने दो डाटा ले लिए कि हमें टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, तो ये आ जाता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। सेकेंड आता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम किसी क्लाइमेट के पीछे का कॉज देखते हैं कि इस क्लाइमेट के पीछे का रूट कॉज क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मॉनसूनर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो हम ये देखते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट किस वजह से, इसके होने के पीछे का कॉज क्या है। तो बेसिकली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इस वजह से होता है कि मॉनसूनर विंड चलती है इस वजह से। तो ये आता है जेनेटिक अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है अप्लाइड अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन। अप्लाइड अप्रोच हम किसी पर्पस के बेसिस पे किसी एरिया का या किसी सर्टेन रीजन का क्लाइमेट क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी रीजन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वेजिटेशन के बेसिस पे करना है तो उसे हम अप्लाइड अप्रोच के अंदर लाते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच सबसे ज्यादा वाइडली यूज क्लासिफिकेशन है, और इसी के बेसिस पे वाल्डमीर कोपलेन ने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट दिया है। तो हम कोपियन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोपियन एक रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा है एम्पेरिकल अप्रोच। उन्होंने क्या किया है कि जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के डाटा की सर्टेन वैल्यूज ली, उन सर्टेन वैल्यूज को वेजिटेशन से रिलेट किया कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट को ग्रो होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेसिपिटेशन चाहिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके और अच्छे से प्रोडक्ट दे सके। इस बेसिस पे कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के एनुअल एवरेज निकाल के फिर उसको वेजिटेशन से रिलेट करके अपने क्लाइमेट का क्लासिफाई किया है। बेसिकली कोपेन ने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में वर्ड्स का यूज ना करते हुए लेटर्स का यूज किया है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स का। इसी से उन्होंने अपने क्लाइमेट को डेजिग्नेट किया है। कोपेन ने बेसिकली 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप दिए थे, दैट इज ए बी सी डी एंड ई। क्योंकि कोपियन का क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है और अभी तक यूज में आता है, तो आगे तक के और मॉडिफिकेशन भी हुए और एक 6th टाइप आइलैंड टाइप एड हुआ है उसमें। तो हम जो 5 क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए हैं, वो 5 क्लासिफिकेशन में 4 जो 4 ग्रुप हैं उन्होंने 4 ग्रुप टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, और एक ग्रुप उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे
ट्रॉपिकल है, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और कोल्ड क्लाइमेट, इन चारों को उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. और एक जो ये ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट को उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. प्रेसिपिटेशन मीन्स कि उस एरिया में जितना रेनफॉल होता है उतना ही इवोपरेशन हो जाता है, तो वो एरिया ड्राई रहता है, वहां पे ज्यादा वेजिटेशन होता नहीं है. तो इस बेसिस में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया है. हम अगर ग्लोब में देखें तो ट्रॉपिकल को हम कह सकते हैं, दैट इज ये हमारा इक्वेटर हो गया. तो ट्रॉपिकल जो ए ग्रुप होता है, वो ए ग्रुप बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला एरिया है, ये आता है ग्रुप ए में. ग्रुप ए का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, कोल्डेस्ट मंथ यानी विंटर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, वो एवरेज टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है, उसे मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगी. थर्ड क्लासिफिकेशन है सी ग्रुप का, दैट इज वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. वार्म टेम्परेट क्लाइमेट हम लैटिट्यूड में जैसे नॉर्थ पोल के साइड जाते हैं, सेम अप्लाइड टू साउथ साइड. तो जैसे हम नॉर्थ पोल के साइड जाते हैं तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर लैटिट्यूड में आते हैं वो उन्होंने क्लासिफाई किया है ग्रुप सी के अंदर, दैट इज टेम्परेट, वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. वार्म टेम्परेट टेम्परेट क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज होता है, वो कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस की मिड होता है. नेक्स्ट आता है डी टाइप ऑफ ग्रुप, दैट इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट. यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एवरेज टेम्परेचर बिलो -3 डिग्री सेल्सियस होता है. लास्ट इज द पोलर क्लाइमेट, दैट इज कोल्ड क्लाइमेट. और यहाँ पे उन्होंने एवरेज कोल्डेस्ट मंथ ना लेकर ऑल ओवर द ईयर का एवरेज लिया है, क्योंकि ये कोल्डेस्ट रीजन है, पोल्स का रीजन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना डिफरेंस होता नहीं है, हमेशा कोल्ड ही रहता है. तो यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ ऑल मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बिलो -10 डिग्री सेल्सियस होता है. ए बी ए सी डी और ई जो है ये क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आते हैं, और जो बी है वो ड्राई क्लाइमेट है, तो प्रेसिपिटेशन का क्लाइमेट है. वो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे उसे क्लासिफाई करने का रीजन ये था कि बी टाइप ऑफ क्लाइमेट किसी भी रीजन में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो ए रीजन में भी हो सकता है, जैसे सहारन डेजर्ट आ गया तो वो सहारन डेजर्ट ट्रॉपिक्स के बीच आता है, और या फिर वो मिड लैटिट्यूड में आता है, दैट इज वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट में आता है, लेकिन वहाँ का प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है, इस वजह से उसे प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. अब हम देखते हैं कि उन्होंने सब डिवाइड भी किया है अपने क्लासिफिकेशन को. तो उन सब डिवाइड करने से पहले मैं इनकी कोडिंग्स बता दूंगी. उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को कोडिफाई किया है, और उस कोडिंग को समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं. जैसे एनडीए में एक क्वेश्चन आया था कि सीएफए किस टाइप ऑफ क्लाइमेट का कोडिफिकेशन है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. तो कॉपियन ने अपने क्लासिफिकेशन में मेजर ग्रुप को ए बी सी डी ई नाम दिया था, और उन्हें सब डिवाइड किया था, और सब डिवाइड करने का बेसिस था कि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की सीजनैलिटी के बेसिस को उन्होंने क्लासिफाई किया, उन्हें सब डिवाइड किया. तो सब डिवाइड करने में उन्होंने चार बेसिक क्लासिफिकेशन किए, दैट इज एफ ग्रुप, डब्ल्यू, एम एंड एस ग्रुप. एफ स्टैंड्स फॉर नो ड्राई सीजन, ये स्मॉल लेटर से ध्यान रखिएगा. एफ स्टैंड्स फॉर नो ड्राई सीजन, दैट इज यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता है, ऑल टाइम बारिश ही होती रहती है. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई सीजन, दैट इज यहाँ पे समर रेनफॉल होती है, विंटर ड्राई होती है. दैट इज इंडियन में हम देख लेते हैं तो इंडिया में समर रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल जो होती है वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है, वो ज्यादा इतना हैवी रेनफॉल नहीं होती है, बट बेसिकली समर रेनफॉल होती है, तो हम उसे विंटर ड्राई सीजन कहते हैं. नेक्स्ट कहते हैं एम टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज मानसून क्लाइमेट. एंड एस स्टैंड्स फॉर समर ड्राई सीजन, दैट इज समर में जहाँ बारिश नहीं होती, जहाँ विंटर में बारिश होती है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहाँ समर में बारिश नहीं होती, वहाँ विंटर टाइप विंटर में बारिश होती है, तो हम उसे कहेंगे समर ड्राई सीजन. फर्दर उन्होंने थर्ड, ये सेकेंड कैरेक्टर है, मीन्स लेटर कोडिंग में जो कैपिटल लेटर होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, सेकेंड प्लेस पे जो आते हैं वो ये जो चार बेसिक सब डिविजन थे ये आते हैं, और थर्ड प्लेस पे जो लेटर आता है वो लेटर आता है टेम्परेचर की सीवियरिटी के बेसिस पे, दैट इज ए बी सी डी. ए मीन्स यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है, बी मीन्स थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, इस बेसिस पे वो ए बी सी डी क्लासिफाई होते हैं. और जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट में सब डिविजन और है. उन्होंने ड्राई क्लाइमेट में
स्पीसीज दैट इज सेमी एरिड, मींस जहाँ पे एकदम ही सूखा नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ पे वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाता है. एंड सेकेंड इज डेजर्ट टाइप ऑफ, मीन्स जैसे गोभी डेजर्ट है तो वहाँ इतना उसे हम स्टिफीज के अंदर लाते हैं, और सहारन डेजर्ट को हम एकदम ही डेजर्ट के अंदर लाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट डेजर्ट ही है, वहाँ पे इतना ज्यादा हमें वेजिटेशन नहीं मिलता. तो स्टिफीज को उन्होंने कोडिफाई किया कैपिटल लेटर एस से, एंड डेजर्ट को उन्होंने कोडिफाई किया कैपिटल लेटर डब्ल्यू से. और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एच एंड के, तो एच एंड के का कोडिंग ये है कि एच फॉर स्टैंड्स फॉर सब ट्रॉपिकल रीजन एंड के स्टैंड्स फॉर मिड लैटिट्यूड रीजन. हम इन क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना डीप में पूछा नहीं जाता है. सबसे पहले आ जाता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट पे. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट मैंने बताया ट्रॉपिक्स है, मतलब ये ट्रॉपिक के बीच में नहीं होगा, तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को फर्दर भी सब डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रॉपिक के बीच होता है, मीन्स यहाँ पे सन जो होता है हमेशा ओवरहेड होता है, इक्वेटर के पास के रीजन में सनराइज ओवर द ईयर होती है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. तो एवरेज टेम्परेचर निकाले, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ईयर, तो वो बहुत कम होता है, मीन्स कोल्डेस्ट मंथ का एंड वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर में उतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है. और चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेनफॉल ऑफकोर्स ज्यादा होती है. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. अब आप मुझे बताइए कि ट्रॉपिकल वेट है तो ट्रॉपिकल वेट की क्या कोडिंग होगी. ट्रॉपिक्स के अंदर है तो हम उसे ग्रुप ए में रखेंगे, और वेट है दैट मीन्स यहाँ पे बारिश हो रही है तो उसे हम एफ डिनोट करेंगे. तो ए एस इसका कोड है, ये नियर द इक्वेटर वाले रीजन में होता है. जैसे मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये जो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है जो आपको दिख रहे हैं लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन रीजन में, तो ये जो होता है ये ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ही होता है क्योंकि इक्वेटर के पास है तो 30 डिग्री 25 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें डेंस कैनोपीज होते हैं, लार्ज बायोडाइवर्सिटीज होती है. जो इसमें फर्दर प्रोडक्ट है उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पहले हम मेजर क्लासिफिकेशन देखें. सेकेंड आता है बी, ये ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में ही सेकेंड पोर्शन है, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके आसपास वाले रीजन में मिलता है. यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है समर में और विंटर्स ड्राई होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में. रिपीटिंग मॉनसून में विंटर रेनफॉल होती है जो कि बहुत कम होती है, और ज्यादातर बारिश होती है समर के टाइम पे जो कि साउथ वेस्ट मानसून से. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, सॉरी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का कोडिफिकेशन देख लेते हैं. क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है तो ए ग्रुप होगा एंड मानसून है तो एम होगा, तो ये इसका कोडिफिकेशन. ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में डब्ल्यू मैंने बताया था कि डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई सीजन, दैट इज यहाँ पे विंटर्स ड्राई होती है. तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है ये बेसिकली हमारा जो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता है उसके साउथ में, उसके नॉर्थ रीजन में ही होता है. जैसे हम मैप पे देखते हैं जो ये हमारा एम टाइप ऑफ, जैसे ये हमारा हो जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के नॉर्थ में या साउथ में हमें ये वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है. यहाँ वेट सीजन होता है शॉर्ट और ड्राई सीजन लॉन्ग होते हैं. यहाँ पे जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है वो डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली ट्री शेडिंग ग्रासलैंड्स होते हैं उस टाइप से. नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज ड्राई क्लाइमेट. ये ड्राई क्लाइमेट का आपको मैप दिख रहा है, मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ. ड्राई क्लाइमेट हमने बताया था कि प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है. जैसे मैंने बताया था हमारा इक्वेटर हो जाता है ये हमारा इक्वेटर हो जाता है, ठीक है. तो जो मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेशन किसी भी क्लाइमेटिक रीजन में हो सकता है. जैसे यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया एंड ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये देख रहे हैं आप कि ये वार्म टेम्परेट रीजन में भी हमें देखने को मिल रहे हैं.
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी हमें देखने को मिल रहा है. तो ये जो प्रेसिपिटेशन के बेसिस का क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट, ये किसी भी क्लाइमेटिक रीजन में हमें देखने को मिल जाता है. इसके कोड्स मैंने बताए थे कि WS स्टैंड्स फॉर स्टीपी, दैट इज सेमिड एरिया रीजन. जो सेमिड एरिया रीजन है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि 15 डिग्री और 30 डिग्री लेटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ के बीच में होता है. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 30 डिग्री के बीच वाला रीजन है, सहारा डेजर्ट वाला, ठीक है. और W स्टैंड्स फॉर डेजर्ट एंड K स्टैंड्स फॉर मिड लेटिट्यूड, दैट इज 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही वो पूछेगा. और कोडिंग याद रखना बेसिकली ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम वार्म टेम्परेट यानी मिड लेटिट्यूड क्लाइमेट्स में. ये 30 डिग्री टू 50 डिग्री लेटिट्यूड के ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन बीच होते हैं. और बेसिकली ये जो क्लाइमेट होता है ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट या फिर वेस्ट मार्जिन पे होते हैं. जैसे कि आप मैप देख रहे हैं मिड लेटिट्यूड क्लाइमेट का, तो ये बेसिकली या तो ईस्ट मार्जिन पे है या वेस्ट मार्जिन पे ये क्लाइमेट ज्यादातर होते हैं. यहाँ पे जनरली समर्स जो होती है वो वार्म होती है और विंटर्स जो होती है वो कोल्ड होती है. और इसी टाइप ऑफ क्लास मेडिटेरियन में ही, सॉरी वार्म टेम्परेट में ही एक और क्लाइमेट सब डिविजन है, दैट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट. मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली मेडिटेरियन सी के आसपास का जो क्लाइमेट है वो होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है. विंटर रेनफॉल इस वजह से क्योंकि वार्म ओशन करंट्स जो होती है वो बेसिकली विंटर में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करती है, इस वजह से यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है. और विंटर रेनफॉल इज गुड फॉर सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन. तो मेडिटेरेनियन रीजन को सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है. इसका और डिटेल में थोड़ा बाद में कवर करूंगी, बेसिक क्लासिफिकेशन पे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है, दैट इज ग्रुप डी, स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट. ये नॉर्थ लेटिट्यूड में होते हैं, 40 डिग्री टू 70 डिग्री. और यहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, तो हमें बेसिकली टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा. और जो ग्रुप ई आता है, दैट इज पोलर या फिर कोल्ड क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, जो पोल्स के अराउंड होता है, तो ये 70 डिग्री एंड अपसाइड होता है. और यहाँ पे हमें ज्यादा वेजिटेशन कमर्शियल पर्पज पे देखने को नहीं मिलता है. तो लास्ट क्लासिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन के बाद एड हुआ है, दैट इज हाईलैंड क्लाइमेट ग्रुप एच. और हाईलैंड क्लाइमेट टॉपोग्राफी के बेसिस पे एड ऑन हुआ है. टॉपोग्राफी के बेसिस पे मीन्स कि जब हम लैटिट्यूड में अपसाइड जाते हैं तब तो क्लाइमेट वेरिएशन होता ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे एलिवेशन के बेसिस पे भी क्लाइमेट डिफर करता है. जैसे कि हम इंडिया को लें, तो इंडिया आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर. बट हिमालयन रीजन को हम देखें तो वो काफी कोल्ड रीजन है. वो कोल्ड रीजन होने का रीजन है कि हिमालय के एलिवेशन की वजह से वो कोल्ड होता है, तो इसे हम हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं. ये बेसिक कोपिंग क्लासिफिकेशन था, आप इनके कोड एक बार देख लीजिएगा तो ये अच्छे से हो जाएंगे. हम अब आते हैं कि वेजिटेशन कैसा होता है इन रीजन्स में. तो बेसिक जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर मैं वेजिटेशन को बताऊंगी. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे कवर करती हूँ. आगे कवर करते हैं, ये बेसिक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है. कोपिंग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं, तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे अब मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेशन कैसा होता है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हमें किस क्लाइमेट से किस टाइप के कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं या कौन कौन सी जगह से कुछ मिलता है वो सब देखते हैं. हम आते हैं हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ये बेसिकली ट्रॉपिक्स के इक्वेटर के पास वाले रीजन में होता है, दैट इज 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये फेवरेबल होता है कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, इंडस्ट्रियली बहुत वैल्यूएबल होते हैं. और इसमें सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जो क्रॉप होता है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज नेचुरल रबर. और नेचुरल रबर में मलेशिया एंड इंडोनेशिया ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. ये मोर देन अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन कवर करते हैं नेचुरल रबर का. अनादर जो क्रॉप है हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मिलता है वो है कोको, जिसका बहुत सारा यूज होता है डेयरी प्रोडक्ट में. और इसके जो
इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो है घाना एंड नाइजीरिया. नेक्स्ट क्लाइमेट आता है ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट. ट्रॉपिकल मॉनसून मैंने बताया जैसे इंडिया वाला रीजन हो गया, तो ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के अंदर आते हैं. और इसके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें मेनली टिम्बर, और टिम्बर में भी मेनली टीक बेस्ट रोन होता है. टीक का यूज शिप बिल्डिंग में, फर्नीचर्स में भी होता है. बर्मा जो है, बर्मा 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन है टीक में. क्या देख रहे हैं ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन हो गया एंड ये मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो बेसिकली कोस्ट रीजन में होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें ग्रासलैंड ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि सवाना एक ग्रासलैंड वाला रीजन होता है. तो यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्ट्स तो उतने नहीं मिलते हैं. बेसिकली इन्हें टाइपिफाइड किया जाता है टॉल ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस, इस बेसिस पे. नेक्स्ट आ जाता है हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट. ये थर्ड वाला कौन सी डिग्री उसमें आता है? एक सेकेंड मैम, बताती हूँ मैं आपको. मैम सूडान टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है वो 10 degrees to 30 degrees नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में आता है. ओके ओके. नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट. ये भी 10 degrees and 30 degrees के बीच आता है. और इस डेजर्ट रीजन में रेनफॉल काफी कम होती है, तो जहाँ रेनफॉल बहुत ही ऊंची होती है उसे हम सारे टाइप ऑफ कह देते हैं. जहाँ टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में, जैसे कि गोबी डेजर्ट हो गया, तो इस वाले रीजन में क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल में आ जाता है तो बारिश उतनी नहीं होती है, बट हम माइन्यूट मान सकते हैं. और इस वजह से इसको सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है. लेकिन जो सहारन डेजर्ट है यहाँ पे कोल्ड करंट चलने की वजह से बारिश नहीं होती है, क्योंकि कोल्ड करंट ह्यूमिडिटी नहीं प्रोड्यूस करती है. तो ये सहारन डेजर्ट काफी सैंडी रेनफॉल वाले रीजन में आता है. और इसमें आता है हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं, क्योंकि इस रीजन में काफी ज्यादा हीट होती है और इस वजह से यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होती है किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए. जो कुछ भी वेजिटेशन होती है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए इतनी यूजफुल होती नहीं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम दैट इज वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जो कि हम मेडिटेरेनियन वाले क्लाइमेट को क्लासीफाई करते हैं. ये क्लाइमेट हमें मेडिटेरेनियन के आसपास वाले रीजन में देखने को मिलता है. ये इस टाइप का क्लाइमेट वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह होता है, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन रीजन के पास में, या फिर ये जो आप मैप में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, इस टाइप के जगह. और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट माना जाता है. और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को वर्ल्ड ऑफ ऑर्चिड भी कहते हैं. जो लेंस होती है इस वाले रीजन, क्लाइमेट रीजन की जो लेंस होते हैं उन्हें वर्ल्ड ऑफ ऑर्चिड लेंस कहा जाता है. यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है. मेनली इस एरिया को सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट की जो प्लांट होता है उसकी लॉन्ग रूट होती है. समर में तो इस रीजन में बारिश होती नहीं है, तो उसकी लॉन्ग रूट ग्राउंड वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके समर में अपना वाटर बैलेंस रखती है. और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनकी कवरिंग बहुत ही थिक होती है, तो वो प्रेसिपिटेशन होने नहीं देती. और जब विंटर रेनफॉल होती है तो वो फ्रूट अच्छे से राइप हो जाता है. सिट्रस फ्रूट में बेसिकली ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप्स. ग्रेप्स का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज्यादा होता है. विटीकल्चर एक ट्रेडिशन है मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन का. विटीकल्चर मीन्स ग्रेप्स का प्रोडक्शन एंड उन्हें वाइन प्रोसेसिंग के लिए देना एक विटीकल्चर कहलाता है. तो जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है वो 3/4 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइन करता है, क्योंकि यहाँ ग्रेप्स के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है. तो जो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है वाइन का वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले कंट्रीज से होता है. नेक्स्ट
कहा जाता है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल यानी स्टिपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो स्टिपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलती है और ये ग्रासलैंड वीट कल्टिवेशन के लिए आइडियल मानी जाती है. और ये स्टिपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में. नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. साइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मॉइस्ट समर्स और ड्राई विंटर्स के साथ होता है. मीन्स यहाँ समर में बारिश होती है, विंटर्स ड्राई होती है. इस टाइप ऑफ क्लाइमेट इन चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पेडी कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी आइडियल कंडीशन देता है और इसी वजह से राइस ग्रोइंग एरिया जो होता है वो बेसिकली चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है और वर्ल्ड थर्ड ऑफ वर्ल्ड राइस चाइना में ग्रो की जाती है क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में. ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा आता है 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में. और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है. और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट की जो सबसे आइडियल कंडीशन होती है वो डेयरी फार्मिंग के लिए होती है. तो यहाँ डेयरिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक यहाँ पे जो भी डेयरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर्स होते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के जो रीजन में जो कंट्रीज कवर होती है वो डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है. नेक्स्ट आ जाता है कूल टेम्परेट यानी साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का ही मैप है ये वाला. ये जो क्लाइमेट होता है ये बेसिकली हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलता है ये टाइप ऑफ क्लाइमेट. और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलती है. यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो बेसिक ऑक्यूपेशन होता है वो लंबरिंग होता है. लंबरिंग मीन्स हार्वेस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करना और उन्हें कमर्शियल यूज के लिए यूटिलाइज करना. तो लंबरिंग में भी बेसिकली पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज यहाँ हमें देखने को मिलती है. न्यूज़प्रिंट के लिए कनाडा एक वर्ल्ड सप्लायर है और वुड पल्प के लिए यूएसए एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड सप्लायर है. तो लास्ट हमारा आ जाता है दैट इज लॉरिशियस टाइप ऑफ क्लाइमेट. लॉरिशियस टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें वेजिटेशन और टेम्परेट फॉरेस्ट की देखने को मिलती है. और ये टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है ये बेसिकली लॉरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हमें 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में देखने को मिलता है. और इस क्लाइमेट में मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमें कॉनिफेरस डेसिडियस टुंड्रा. और ये जो एरिया होता है ये फिशिंग के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग एरिया होता है. तो फिशिंग जो होती है वो ज्यादातर लॉरिशियस क्लाइमेट में क्लाइमेटिक रीजन में की जाती है. और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ग्रेट बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड दैट इज ये कनाडा के ये वाला साइड वाला रीजन. और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में फिशिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है. और जो जापान वाले रीजन में यहाँ पे पर्ल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जो कि चीजेस में यूज होता है. पर्ल के तो काफी यूजेस है. तो ये था एक इंडस्ट्रियल यूज. और ये मैंने इंडिया के बेसिस पे हम कोपियन क्लासिफिकेशन को कैसे डिवाइड करते हैं वो मैंने यहाँ मैप लगाया है. तो बेसिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट्स में किस टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है कोपियन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो हम यहाँ बता सकते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में आता है तो ये ए सबसे पहला ग्रुप ए होगा इसका. और यहाँ पे मॉनसून यानी रेनफॉल होती है तो मॉनसून होता है यहाँ पे क्योंकि साउथ वेस्टर्न मॉनसून सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स को ही हिट करता है और उसके बाद में एक शेडो रीजन हो जाता है जो कि ये वाला रीजन है. वेस्टर्न घाट्स हमारे आ जाएंगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में. तो इस बेसिस पे ये पूरा क्लासिफिकेशन है. किसी को अगर कोई डाउट है तो ओके किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं सर. सर सर हाँ बताइए सर. वो आशा एक्चुअली मेरे को गोबी डेजर्ट शुरू में जो तुमने बताया था गोबी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में डिफरेंस क्या था वो मिस कर दिया था वाला पॉइंट मैंने. सहारन डेजर्ट जो है वो हमारे मिड लैटिट्यूड के बीच में आता है तो कोल्ड करंट होने की वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है तो वो एक्सट्रीम ही सूखा होता है. एक्सट्रीम सूखा होने की वजह से वो डेजर्ट कैटेगरी में आता है. और जो गोबी डेजर्ट है वो टेम्परेट डेजर्ट के बीच में आता है यानी वहाँ एक्सट्रीम ही सूखा नहीं होता है. हमें थोड़ी बहुत वेजिटेशन
अच्छा मैम, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ाया है ना? यस सर। गुड, बढ़िया कोर्स किया है। नाइस, गुड, कीप इट अप। ओके ऋषि। यस सर। ओके ऋषिकेश का था साइक्लोन, यस यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ऋषिकेश का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। फाइन, तो तीन टॉपिक हमारे आज कवर, चार टॉपिक कवर हो गए। प्लेटू प्लेन्स कवर हो गया है, ये जो एक इम्पॉर्टेंट था वर्ल्ड क्लाइमेट वाला, ये पूरा बढ़िया से कवर हो गया है, और साइक्लोन हमारा कवर हो रहा है। कल मोस्ट प्रोबेबली बाकी मॉडरेटर्स हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो बाकी के फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो साइलेंट कर रहा हूँ, ऋषि अपने टॉपिक को बताते हुए फिर शुरू करना। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ आयुष। सर जैसे डेजर्ट फॉर्मेशन हो रही है, जो अपन ने पहले शुरू में जो डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें बदल लिया था ए बी सी और डी या ई तक, ठीक है सर। सर हम देखते हैं जैसे गोबी डेजर्ट तो ऊपर चाइना में के पास है, और सर एक अपन सहारा डेजर्ट देखते हैं जो नीचे है। सर जैसे डेजर्ट की लोकेशन होने का रीजन क्या है वहां पे, या सर कोई मतलब कोई रीजन नहीं है उसके पीछे फॉर्मेशन होने का, डेजर्ट फॉर्मेशन होने का? हाँ देखो कहीं पर सर जैसे जैसे ना, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट ऊपर की तरफ है या नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ है ना सर, तो वो चीज के बारे में पूछ रहा हूँ। ओके देखो होता क्या है कि कभी भी अगर कहीं डिजर्ट फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए एक ही कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, और वो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में होता क्या है कि भाई आपका जितना भी भाप बनकर पानी उड़ रहा है, अगर उससे कम पानी वापस आ रहा है तो कहीं पर भी डिजर्ट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में दो डिजर्ट हैं, एक आपका थार राजस्थान वाला, वो आपका हॉट डिजर्ट है, और एक कोल्ड डिजर्ट है लेह लद्दाख। वो जो लद्दाख वाला रीजन है ना, वो भी डिजर्ट में कंसिडर होता है। तो कहीं पर भी अगर बारिश नहीं हो रही किसी भी रीजन की वजह से, तो लंबे समय के बाद वो एरिया डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट सर? मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा, ज्यादा इवोपरेशन हो जाता है तो वो सस्टेन वहां पे कुछ हो नहीं पाता है, उस वजह से वो डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कुछ जैसे आपने जैसे दो कंडीशन है, जैसे वो ज्यादा एवेपोरेट कर रहा है और कम बारिश हो रही है, ये रीजन तो है ही है, मगर मैम रीजन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सिर्फ उतने हिस्से में ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, सिर्फ उतने से हिस्से में ही क्यों, क्योंकि हीट जैसे जो ओशन करंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं कि ओशनिक करंट, जैसे मैंने बताया था कि सहारन डेजर्ट के पास में कोल्ड करंट होती है, तो वो कोल्ड करंट प्रेसिपिटेशन नहीं करती है, तो वो भी रीजन हो सकता है, वो भी रीजन होता है कि वहां पे डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पे वेजिटेशन सस्टेन नहीं रहता। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके तो अभी फिर साइक्लोन के साथ कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, तो ऋषि स्टार्ट करो। यस सर। ओके सो सर ने टेलीग्राम ग्रुप में एक फाइल शेयर की है साइक्लोन की, वो सब लोग खोल लेना, कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि साइक्लोन मुझे कैमरा ऑन करके फिजिकली समझाना है। तो खोली सबने फाइल? यस मैडम। सो जैसे कि साइक्लोन है, साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो जैसे नोट्स में मैंने पहला दिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंडियन ओशन में साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक में हरिकेन्स बोलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून्स कहते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और सर ने भी करवाया, तो ये फिर से आ सकता है मैच द फॉलोइंग के लिए। तो जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है, उसके सेंटर, उसका जो सेंटर होता है वो काम होता है, जिसे हम लोग आई कहते हैं, और आई के जो बाजू में होता है उसे हम लोग कहते हैं वॉल। सो जो ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है कि सन की रेस डायरेक्टली आती है, तो जो ओशन है ओशन वार्म हो जाता है,
ओशन का जो सरफेस फॉर्म हो जाता है क्यों, क्योंकि वाटर जो सन से हीट आ रही है वो एब्जॉर्ब कर रही है. सो जैसे वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रही है वैसे कभी ना कभी वो वाटर हीट रिलीज भी करेगी, राइट. सो ये ओशन का सरफेस है, ओके. यहाँ पे अभी वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वो गर्म होने के कारण थोड़ा ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो जब वो ऊपर शिफ्ट होगा सो जैसे उसने नीचे हीट एब्जॉर्ब की सो ऊपर आने के बाद वो हीट रिलीज करेगा और वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे. सो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे और जो हीट रिलीज करेगा, हीट की वजह से इसके सराउंडिंग का जो सराउंडिंग एरिया है वो वार्म हो जाएगा और जब वो वार्म हो जाएगा तो वो थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा. वो और ऊपर उठ गया तो नीचे का जो प्रेशर है, नीचे प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि नीचे जो एयर फिल्ड थी, एयर अभी ऊपर उठ गई तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और वहां पे लो प्रेशर हो गया. सो बाजू में जो जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से हीट लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी, ओके. सो जैसे हीट हाई प्रेशर से एयर आ गई लो प्रेशर की तरफ, फिर से क्या होगा, फिर से नीचे वाला जो वाटर का सरफेस है वो फिर से हीट होगा, फिर से थोड़ा ऊपर आएगा. ऊपर आने के बाद फिर से वो हीट रिलीज करेगा और हीट रिलीज करने के बाद उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो फिर से वार्म होगा, वो वार्म एरिया फिर थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा और ऐसे करते करते 10-15 किलोमीटर ऊपर तक एक टॉवर खड़ा हो जाएगा इसका, जिसे जिसे कहते हैं हम लोग आई. और उसका जो सराउंडिंग होगा, जो उसके सराउंडिंग में जो हाई प्रेशर एरिया होगा उसे हम लोग कहेंगे आई वॉल, ओके. तो फिर जो बाजू में जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से जब विंड्स आएंगी तो वो विंड्स रिवॉल्विंग नेचर में आएंगे. क्यों, क्योंकि आज जो है अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है तो वहां पे जो इसे हम लोग ऐसे ऐसे समझते हैं कि जैसे ये एक रिवर का सरफेस है, राइट. सो रिवर का सरफेस है और मैं रिवर के एक बैंक पे खड़ा हूँ और अभी मुझे तैर के रिवर के दूसरे बैंक में जाना है. सो और रिवर जो है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है. सो जब मैं रिवर में जाऊंगा और मैं सीधा 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 तैरूंगा, लेकिन रिवर का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दूसरी तरफ है. सो मैं सीधा ना जाके अगर मैं अपना मोशन देखूँ तो वो ऐसा कर्व हो जाएगा, राइट. सो वो ऐसा कर्व हो जाएगा और उसी तरह से जो अर्थ है, अर्थ घूम रही है. सो जब ईस्टर्लीज जो कि ट्रॉपिकल रीजन में होती है, सो जब वो ऐसा सीधा आने की सीधा जब आने की ट्राई करती है तो वो सीधा ना आके कोरिओलिस फोर्स की वजह से वो टर्न हो जाती है और वो सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में लो प्रेशर की तरफ आती है. सो जब इसलिए जब ट्रॉपिकल साइक्लोन जब फॉर्म होता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है. सो नीचे भी दिया है कि कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो वहाँ पे सन की रेस तो हमेशा डायरेक्टली आती है, ओशन भी है वहाँ पे, लेकिन हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते. उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है कि लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्रीज. सो जब 27 डिग्रीज के ऊपर ओशन का टेम्परेचर जाएगा तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन है. उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कोरिओलिस फोर्स. सो जैसे मैंने कहा कि अगर विंड सीधी आती, अगर विंड सीधी आती तो वो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का हम लोग सर्कुलर नेचर देखते हैं वो नहीं बन पाएगा. इसलिए कोरिओलिस फोर्स का आना जरूरी है ताकि विंड्स कर्व हो और ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो. नेक्स्ट है स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल एंड इन वर्टिकल विंड्स. सो स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो जहाँ पे ओशन का सरफेस वार्म हो चुका है वो ऊपर जा रहा है,
और बाजू का जो सरफेस है वहां पे वार्म नहीं हुआ है, सो उतना वार्म नहीं है. सो जब विंड विंड जब ऊपर जाएगी तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस होगा. नेक्स्ट है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया. उसका शायद मीटिंग लीव हुआ है, परेशान मत हो, वो ज्वाइन हो जाएगा. ऋषिकेश भाई माइक. हेलो. नो सर, गलती से लीव हो गया. ओके, सो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया. सो जो ओशन का जो पूरा सरफेस है वो पूरे सरफेस पे एक साथ संकीर्ण जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा ओशन का एक पार्ट होगा जहाँ पे पहले से एक थोड़ा सा विंड का प्रेशर लो होगा. क्योंकि अगर पूरा सरफेस एक साथ वार्म होगा तो हर जगह एयर का प्रेशर और एयर का फ्लो सेम रहेगा. नेक्स्ट इज अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम. सो जब एयर जो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो डाइवर्स हो जाएगी. डाइवर्स क्यों होगी? क्योंकि ऊपर जाने के बाद जब वो रेन रे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, सो एक टेबल है जहाँ पे विंड का साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का विंड डायरेक्शन दिया है. सो जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. सो जैसे सर ने बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लोग एन लिखते हैं. सो जैसे ये एन लिखा है, इट्स ओके आप करो ऐसे ही कंटिन्यू. तो जैसे कि ये एन लिखा है, सो एन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे यहाँ से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा. यहाँ पे कैमरा में आपको उल्टा दिख रहा है. सो जब एन को आप लिखो और इसको एक्सटेंड कर दो बस, सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन दिखाएगा. वैसे ही हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में अगर एस लिखेंगे और एस को एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से. सो एस को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन. नेक्स्ट लाइन इज द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन. सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आ सकता है कि लैंडफॉल किसे कहते हैं, या फिर वो कंडीशन दे देगा कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट को क्रॉस करता है उसे क्या कहते हैं. सो ये हो गया हम लोग, ये हो गया हम लोग का ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद हम लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मिडल अल्टीट्यूड या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है टेम्परेट साइक्लोन. उसके लिए हमें टेम्परेट साइक्लोन्स समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी, जो है कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट. जो टेम्परेट साइक्लोन्स है, टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ पे लेते हैं? ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर या ट्रॉपिकल रीजन के नीचे, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं. सो टेम्परेट साइक्लोन्स के ऊपर हम लोग अगर ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है ऊपर है नॉर्दर्न पोल, नीचे है सदर्न पोल. सो जो पोल्स रीजन है वो कोल्ड है, सो वहां से आएगी कोल्ड एयर. और उसके नीचे वाला जो एरिया है, जो हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, वहां से आएगी वार्म एयर. सो ये अगर हम लोग वार्म एयर कंसिडर करते हैं, ये हम लोग कंसिडर करते हैं कोल्ड एयर. सो जब कोल्ड एयर अगर वार्म एयर की तरफ मूव कर रही है,
अगर कोल्ड एयर वार्म एयर की तरफ मूव कर रही है तो इनके बीच में जो जो फ्रंट बन रहा है, फ्रंट मतलब जहाँ पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है या फिर एक दूसरे से टकरा रही है, सो अगर कोल्ड एयर वार्म एयर की तरफ मूव करेगी तो हम लोग कहेंगे उसे कोल्ड फ्रंट, और अगर वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ मूव करेगी तो हम लोग उसे कहेंगे वार्म फ्रंट। सो मान लेते हैं कि जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर की तरफ मूव कर रही है, सो इसे कहेंगे हम लोग वार्म फ्रंट। सो हमें पता है कि वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है और कोल्ड एयर हैवी होती है, सो वार्म एयर धीरे धीरे कोल्ड एयर के ऊपर खिसक जाएगी, और जब कोल्ड एयर पूरी तरीके से वार्म एयर को अपने ऊपर उठा लेगी तो उसे हम लोग कहेंगे, इन दोनों के बीच के रीजन को कहेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। ओके, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से ये प्लेस कैसे लेते हैं कि अगर कोल्ड एयर मूव कर रही है वार्म एयर की तरफ, सो कोल्ड एयर वार्म एयर को धीरे धीरे ऊपर उठाती जाएगी और वो जो फ्रंट है वो धीरे धीरे आगे मूव करता जाएगा। एक मिनट, और एक मिनट, ठीक है, देखो वार्म एयर, हाँ कोल्ड, हाँ मैं वही बता रहा हूँ जो अभी डाउट आप पूछने वाले हो। देखो कोल्ड एयर नीचे इसलिए जाती है ना क्योंकि कोल्ड एयर के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो कोल्ड एयर की ना डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब भी कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है तो कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है और कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर, यस है ना, यही डाउट आना था। ओके, कंटिन्यू करिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, सो ये जो मोशन होगा इसे इसके वजह से बनेगा टेम्परेट साइक्लोन, और जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठेगी तो हमें पता है कि वार्म एयर के पास ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी मतलब वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे इन द वेपर फॉर्म, सो जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो वार्म एयर क्लाउड्स बनाएंगी और यही क्लाउड्स फिर बाद में प्रेसिपिटेट करेंगे रेन की फॉर्म में। सो अगर हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो क्या है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लार्ज एरिया में फॉर्म करते हैं, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो आय होती है वो होती है 10 से 30 किलोमीटर उसका एरिया होता है, और उसके जो आजू बाजू का एरिया होता है वो होता है 100 से 120 किलोमीटर तक। ये पूछा नहीं जाएगा बट ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, कौन सा बड़ा होता है, लार्जर एरिया किसका है, टेम्परेट का या फिर ट्रॉपिकल का। तो ये ध्यान में रखना कि टेम्परेट का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल से बड़ा होता है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सीम जहाँ पे ओशन होगा वहीं पे ओरिजिनेट होंगे, और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो लैंड में या फिर सी में कहीं भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोलर रीजन्स में कहीं जगह पे सी है, कहीं जगह पे ओशन है, जिनके ऊपर वार्म एयर कोल्ड एयर वो फ्लो होती रहती है। सो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनके लिए हमें सिर्फ चाहिए कोल्ड एयर और वार्म एयर, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनके लिए काफ़ी सारे कंडीशन है जो हमने देख लिए। नेक्स्ट है कि साइक्लोन्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है साइक्लोन्स में कि साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। सो साइक्लोन्स का नाम रखने के लिए 6 रीजनल स्पेसिफाइड मीटियोलॉजिकल सेंटर्स हैं और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, और उसके बाद इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एक रीजनल स्पेसिफाइड मीटियोलॉजिकल सेंटर में से एक है, और जो एडवाइजरी प्रोवाइड करता है कुछ कंट्रीज को जिनके नाम नीचे दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर ये लोग अपनी तरफ से सजेशन देते नेम के लिए, और फिर उनमें से सिक्वेंशियली नेम चूज किया जाता है। सो नीचे क्वेश्चन है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट इज कैरेक्टराइज बाय लो प्रेशर सेंटर। सो मैंने कहा था कि जो आय है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो आय होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है,
नेक्स्ट इज इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो जैसे सर ने ट्रिक सिखाई थी कि नॉर्दर्न में हम लोग एन लिखेंगे और उसे एक्सटेंड कर देंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. सदर्न में एस लिखेंगे, क्लॉकवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट इज इट इज वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम. वार्म कोर मतलब जहां पे जो ट्रॉपिकल रीजन है वो जैसे वार्म है. उसके बाद लास्ट ईयर सीडीएस 2021 में मार्च द फॉलोइंग के रूप में एक क्वेश्चन आया था कि एक लिस्ट में साइक्लोन्स दिए, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून, विलीविलिस, और दूसरे इसमें रीजन दिए कि किस कहां पे साइक्लोन. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पॉइंट है इसमें दोनों में क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी. नॉर्दर्न में काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है, काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है. ओके, इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके और थर्ड जो क्वेश्चन है in the south atlantic and south eastern pacific regions in tropical latitudes cyclones do not originate, what is the reason? So wahan pe reason kya hai ki wahan pe jo sea surface ka jo temperature hai wo kam hota hai. So jaise ki tropical cyclones ke liye sea ka temperature kitna chahiye, about 27 degree celsius. नेक्स्ट इज कुछ साइक्लोन्स पूछे जाते हैं कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुए और उनका नेम कौन से कंट्री ने रखा. सो वो अभी जो साइक्लोन्स न्यूज में थे वो दिए हुए. अभी जो लेटेस्ट था वो था आसानी, जो बे ऑफ बंगाल में आया था मार्च के मंथ में, और उसे नाम दिया था श्रीलंका ने. उसके पहले जवाद आया था वो भी बे ऑफ बंगाल में, जिसे नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने. उसके पहले गुलाब आया था बे ऑफ बंगाल में, जिसे नाम दिया था पाकिस्तान. उसके पहले तौते आया था अरेबियन सी में, जिसे नाम दिया था म्यांमार ने. हालांकि सर मेरे हिसाब से यास, निसर्ग और एम्फन तो काफी पुराने हो चुके, तो उनके बारे में नहीं पूछेंगे. फिर भी लिस्ट में दे दिया है, आप उससे पढ़ सकते हैं. सर फिनिश, कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप. ऋषिकेश भाई, एक मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, तो जो आपने बताया था कि कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स के बारे में, तो इसके बारे में था. मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरा डाउट नहीं है, बस ऐड करना ये चाह रहा हूँ कि इसपे एक क्वेश्चन था कि कोल्ड करंट और वार्म करंट में वेलोसिटी किसकी ज्यादा होती है. तो क्योंकि सर ने भी बताया कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में होते हैं कोल्ड करंट में, तो ये ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो करती है एज कम्पेयर टू वार्म करंट. तो ये पीवाईक्यू था, ये मैंने सॉल्व किया था, तो मैंने सोचा ऐड कर दो. बाकी यू गिव अ रियली गुड एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू फॉर दैट. कोई डाउट है? साइक्लोन अपन दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे. वो एंटी साइक्लोन क्या होता है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बीच में दो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, सो एंटी साइक्लोन में उसका अपोजिट होगा. एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा और उसके सराउंडिंग में लो प्रेशर होगा. सो वहां से फिर हाई प्रेशर जो बीच में है वहां से एयर्स निकलेंगे बाहर की तरफ जहां पे लो प्रेशर है. यस, बेसिकली एंटी साइक्लोन मतलब कि नॉर्मल क्लियर वेदर, दैट्स इट. हां यस, और ये क्वेश्चन आया भी था उसमें, था आई पीवाईक्यू था सीडीएस का, उसमें बेसिकली यही मीनिंग था कि नॉर्मल क्लियर वेदर रहेगा, दैट मीन एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन. और कोई डाउट? ओके, बहुत शानदार है. ओथिन करंट किसे कहते हैं? क्या माधुरी मैम? यस सर. और ये बोल रही थी ओशन करंट जो होती है उस किसे कहते हैं, मतलब वो समझ नहीं आया क्या होती है. ओशन करंट क्या होती है कि जैसे ओशन का जो वाटर होता है, राइट, सो ओशन का जो वाटर होता है, सो जैसे विंड अगर ओशन के ऊपर से फ्लो कर रही है,
जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में जैसे कि सन की रेज आ रही है उसकी वजह से जो वाटर का सरफेस है वो बल्ज हो जाता है. तो वो बल्ज होने के कारण वहां से वाटर का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और कूलर में वो ठंडा रहता है. तो वो उसकी हाइट बढ़ने के कारण वो हाई, वो ऊपर की हाइट से फिर वो लोग जहाँ पे हाइट कम है ओशन की वहां की तरफ मूव करती है. वैसे ही ओशन की सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहेगी वहां से जहाँ सैलिनिटी कम है वहां पे मूव करेगा. अच्छा, मतलब लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ जाता है क्या? मैं एक मिनट सर, अगर आपको पता है प्लीज, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि वो लो से हाई जाता है या हाई से लो. आई थिंक लो से हाई जाता है. और वो हो गया, बस यही क्लियर करना था. ओके, थैंक यू. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? Is that all? ओके, ठीक है. तो ये दिव्या मैम ने बताया, दिव्या मैम ने बताया ना अभी सैलिनिटी वाला? नहीं, माधुरी मैम. अच्छा, माधुरी मैम. हाँ, आप वो करंट का एक्चुअल आप डायरेक्शन पूछ रही है ना? तो मैंने ये पूछा है कि जो करंट होती है वो करंट कहते किसे, ओशियन करंट. तो सर ने बताया कि जो वाटर, समुद्र का जो वाटर होता है, आई थिंक ओशियन का, वो 150 से लेके 200 मीटर तक जो वाटर फ्लो करता है विंड पे, उसे मतलब ओशियन करंट कहते हैं. और इसके कई सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये भी बताए विंड के हो सकते हैं और भी कई रीजंस. और मैंने ये, उन्होंने ये बताया कि जो ओशियन करंट होती है वो हमेशा लो से हाई सैलिनिटी की तरफ, मतलब लो से हाई सैलिनिटी की तरफ जाता है. उसमें एक चीज और एड ऑन कर लेना, ये टेम्परेचर वाला जो वेरिएशन है ना वो भी एक फैक्टर होता है. खैर, वो तो हम करंट में करेंगे. चलो, तो एक बार मैं कंक्लूड कर दूं. एक्चुअल मेरी तरफ पावर कट हो गया है, तो मैं मोबाइल के डेटा से चला रहा था नेट. ठीक है, तो हो सकता है कि मीटिंग में, खैर, अपना आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया है जो आज था. तो हमने आज क्या क्या किया मैं बता देता हूँ. प्लेट्यू और प्लेन्स हो गए हैं, फिर इसके बाद वर्ल्ड क्लाइमेट किया है हमने, और फिर उसके बाद हमने साइक्लोन किया है. ये तीन टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए. ये वीडियो ना मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो यूट्यूब में भी डालता जाऊँगा, और जब एक बार अपलोड हो जाएगा ना तो मैं शेयर कर दूँगा. सेम इसी टाइम पर हम कल इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू यू टू ऑल. अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम में बेहिचक आप पूछ सकते हैं कि इसमें डाउट है. और कोई चीज़ अगर थोड़ा सा टिपिकल लगती है इवन मॉडरेटर्स को भी, तो वो भी मुझसे बता देना कि ऐसा ऐसा है. तो जितने लोग मॉडरेटर्स हैं जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, वो सभी मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मैं हो सकता है थोड़ा देर सवेर रिप्लाई करूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव एट दैट पॉइंट ओनली. ठीक है, कि चीज़ें बेहतर हों. बाकी अगर कुछ सजेशन हो तो जरूर बताओ. बाकी थैंक यू, जस्ट अ मोमेंट सर, कुछ पूछना है.